नमस्कार, मैं नंदिता और आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय चैनल NIS मीडिया। आइए नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। समर्पण ग्लोबल वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रभात खबर जमशेदपुर के संपादक संजय मिश्रा जी, विशिष्ट अतिथि प्रभात खबर वरिष्ठ पत्रकार संजीव भारद्वाज, अतिथि के रूप में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस जमशेदपुर चैप्टर के अध्यक्ष अफसर इमाम ने अपनी उपस्थिति देकर रक्तदाताओं का मनोबल बढ़ाया। संस्था की ओर से सभी अतिथियों को शॉल एवं पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस रक्तदान शिविर में कुल 75 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। जो ब्लड बैंक में आप लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, ये क्या पहली बार है? जी, हमारा ये छठवां ब्लड डोनेशन कैंप होने जा रहा है। कितना यूनिट तक आप लोग ब्लड कलेक्ट किए? अभी तक तो हमारा 65 हो चुका है और एक्सपेक्टेड है कि 80 तक चला जाए। नहीं, आज तक का रिकॉर्ड में आप लोगों का सबसे अधिक कितना? नहीं नहीं, इससे भी अधिक हुआ है, 100 तक गया है। तो आगे उम्मीद क्या करते हैं जी? आगे उम्मीद इससे बेहतर ही करते हैं हम लोग। ब्लड डोनेशन के अलावा भी आप लोग कुछ और सोशल वर्किंग करते हैं? जी, हमारा जो संस्था है वो बहुत सारे क्षेत्र में अपने काम को आगे बढ़ा रहा है और विशेषकर स्लम्स एरिया में बच्चों के उत्थान के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, बुजुर्गों के बीच में हमने वृद्धाश्रम में जा कर के उनके बीच काउंसलिंग का काम किया। साथ ही साथ पिछले दिनों में कैंसर हॉस्पिटल के गेस्ट हाउस जितने दूरस्थ क्षेत्रों में से आते हैं तो उनके लिए भी हमने उचित भोजन वस्तुएं और बहुत सारी चीज़ों का हम जो उनके रिक्वायरमेंट थे उनका हम प्रबंध किया। आगे और क्या सोचें? ये हमारा सोच है कि विशेषकर बच्चों के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में जो काफ़ी सुदूर क्षेत्र हैं, तो उनके बीच भी हम लोग जा करके समाज के मुख्य धारा से मुक्त हो सकते हैं। आपका परिचय? जी, मेरा परिचय प्रभात बाकला, महासचिव समर्पण ग्लोबल वेलफेयर फाउंडेशन। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ NIS मीडिया के साथ। आपको हर पल की खबर मिलते रहेगी, हर पल। धन्यवाद।